ज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या मांग है आप लोगों की? ये जो ज्ञापन है हमारे मध्य प्रदेश पोविस महासभा द्वारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, इसमें हम मांग कर रहे हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाए, जिसमें अभी मध्य प्रदेश शासन ने 27% आरक्षण दिया था, पर मध्य प्रदेश शासन का ढुलमुल तरीका या उदासीनता, जो हमारे 5 फरवरी को जो पेशी थी उसमें जो हमारे महाधिवक्ता थे शशांक शेखर साहब, उन लोगों ने हम ओबीसी की पैरवी तरीके से नहीं की। तो सबसे पहला हम लोगों का ये है कि अगर ओबीसी का महाधिवक्ता होना चाहिए, शशांक शेखर चूँकि सवर्ण वर्ग के हैं, उस आधार से उन लोगों ने हमारी पुख्ता मांग नहीं रखी और उसको ढुलमुल तरीके से हमारे ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण मिलना था उस आरक्षण को हमारे सारा जो कोर्ट में केस था उसमें उसको मतलब निगलेक्ट कर रिफ्यूज कर दिया। तो हम चाहते शासन से कि महाधिवक्ता को बदलें और किसी ओबीसी महाधिवक्ता को लिया जाए उसमें। दूसरी चीज़ हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 2021 में जो मतगणना होना है, जातिगत मतगणना जनगणना होना है, उस जनगणना में ओबीसी का कालम रखा जाए। मैन हम केंद्र सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि ओबीसी का एक कालम रखा जाए जिसमें हमारी ओबीसी की निश्चित गणना हो सके कि हमारी पूरे भारतवर्ष में ओबीसी की कितनी जातियां हैं और कितनी संख्या है। और वैसे तो हमारी संख्या के आरक्षण दिया जाए, हम ओबीसी के लोग 54% हैं, 54% के हिसाब से हमें हर उसमें आरक्षण दिया जाए, चाहे शासकीय हो, चाहे अर्धशासकीय हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन सब में हमारे लिए 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल कमीशन ने हमें 27% आरक्षण दिया था उस पे अभी सरकार को कायम होना चाहिए, ये हमारी मांगें हैं। जो न्यायालय ने फैसला दिया है तो वो न्यायालय की फैसला माने आप लोग मान्य नहीं कर रहे? नहीं, न्यायालय ने अभी फैसला नहीं दिया है, अभी न्यायालय ने अभी तरीके से अभी नहीं रखा गया है, उसके लिए डेट बढ़ा दी गई है उन्हें, और उस जो डेट बढ़ा दी गई है तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारा जब ओबीसी का महाधिवक्ता होगा तो निश्चित तौर से वो ओबीसी की बात रखेगा और ओबीसी की पुरजोर लड़ाई लड़ेगा।